तो गाइस यहाँ पे मैं खाना पीना ढूंढ रही हूँ, सामने दिखाई दे रहा है एक चाइनीज थाई एशियन, यही चलते हैं। बढ़िया होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और अभी हम जा रहे हैं गुड़गांव, अभी हम हैं गुड़गांव में, गुरुग्राम में, और जा रहे हैं अपने लिए घर ढूंढने। तैयार हो लेते हैं। नरूला पनीर तो मुझे समझ में आता है, सबकी सीटिंग बाहर होनी चाहिए आई थिंक। हाँ, बाहर ही सीटिंग चल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ना एक जगह है, वहाँ पर मॉरिस रेस्टोरेंट के पास, वहाँ पर ना ऐसा ही सिस्टम है, थोड़ा सा लाइक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। आज भाई का है। सो गाइज हम जा रहे हैं, अभी मैं वो खा के आई हूँ डिमसिम, और बहुत टेस्टी सुशी, बहुत टेस्टी थी। सुशी का सबसे मेन जो अट्रैक्शन है वो चॉपस्टिक्स, बहुत मज़ेदार लगते हैं। ऑनर इज मिस्टर मेहरा, काफ़ी डिसेंट पर्सन है और खाना बहुत टेस्टी है। मेरे सामने सुशी के ऑर्डर्स जा रहे थे। एनीवेज तो अभी हम जा रहे हैं सोना रोड सेक्टर 33, आपको दिखाते हैं। मैं सोचा गुड़गांव थोड़ा सा घुमाएं, लास्ट टाइम जब मैं आई थी वो गुड़गांव का कोई और ही एरिया था, ये गुड़गांव का कुछ और ही एरिया है। वो MBS मॉल के पास का एरिया था, ये बिल्कुल डिफरेंट, यहाँ की लोकेलिटी बिल्कुल डिफरेंट लग रही है वहाँ से, वो हीरो होंडा चौक वगैरह, पर यहाँ की लोकेलिटी बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। ये है DLF फेस 4। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। सो गाइस अभी हम चौक, सुभाष चौक जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, सुभाष चौक क्रॉस कर रहे हैं। सो गाइस हम एंकर तो हो गए हैं सोना रोड, एंकर नहीं हुए शायद, अभी बस जा रहे हैं हम सोना रोड की तरफ। अभी तक सड़कें वड़कें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट तो अच्छी है। चलिए देखते हैं आगे क्लिप में।
गाइस हम रुके हैं यहाँ पर गैस डलवाने के लिए। वो सच में ऐसे लग रहा था किसी और स्टेशन में ही पहुँच गई हूँ। पता नहीं कौन सी कैब सर्विस है जो ना सही चीज़ करेगी, मुझे खुद नहीं पता। अब मैंने जिस कैब सर्विस से ऑटो बुक करवाया था वो मुझे लोकेशन कुछ और दिखा रहा है, ड्राइवर को लोकेशन कुछ और दिखा रहा है। वो थैंक गॉड ये ड्राइवर थोड़ा समझदार था कि मुझे मतलब वापसी में छोड़ने को तैयार हो गया, अदरवाइज पता नहीं क्या है, क्या समझ ही नहीं आता है कुछ। ये ना मुझे मेरा जो नानका है ना, नानका किसे कहते हैं, जहाँ पे मेरे मम्मी के पापा मम्मी रहते थे, नाना नानी में जहाँ रहते थे वो वैसा एरिया का, वहाँ पे जहाँ से शुरू में रहते थे, पिंडियाँ वाली गली पंजाबी से तक कहने हैं, आगे मुझे पता नहीं, वहाँ पे वो रहते थे ना, उसका उसकी याद दिलाता है। ऐसे ही वहाँ पे घर हुआ करते थे। पर ये अभी हम हैं बासालपुर में हैं, यहाँ पे सारी कोठियाँ ही कोठियाँ दिख रही हैं बसलपुर में। ये हरियाणा का बसलपुर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। सो गाइस एट लास्ट अभी मैं घर ही जा रही हूँ। 10 बार इसका सिर खा चुकी हूँ, कभी मेट्रो कभी घर, कभी मेट्रो कभी घर। तो अभी मैं अकोमोडेशन में वापस जा रही हूँ। और सोना रोड है तो बहुत डेवलप एरिया, वहाँ का पोर्शन एरिया बहुत डेवलप है, लेकिन दिल्ली बहुत दूर हो जाएगा और मेरा मेन काम दिल्ली में ही है। तो फिर इसमें रोज तो नहीं वो बहुत एक दूसरा स्टेट ही पड़ जाता है ऐसा लग रहा है। तो मैं वही आसपास देखती हूँ, ब्लॉग करते यही ख़त्म। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।